विश्व दिव्यांग दिवस पर प्रशासन और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जहां बच्चों ने विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में दिव्यांगों को उपयोगी सामान वितरित किया गया। सिंगरौली में विश्व दिव्यांग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने विभिन्न तरह की कलाओं का प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन एवं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा संचालित जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में चुन कुमारी स्टेडियम में यह आयोजन हुआ। स्वागत गीत के पश्चात नेत्रहीन युवकों एवं मानसिक रूप से दिव्यांग बालिकाओं ने गीत प्रस्तुत किया। वहीं दिव्यांग बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी ने दिव्यांगजनों के लिए कृत्रिम उपकरण और उनकी जरूरत के अनुसार उनको सामान प्रदत्त किया। इस अवसर पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह, नगर निगम अध्यक्ष देवेश पांडे, महापौर रानी अग्रवाल, चेयरमैन रेड क्रॉस सोसाइटी SD सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अनुराग मोदी विशेष रूप से मौजूद रहे। जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र के माध्यम से हम ऐसे समूह, ऐसे व्यक्तियों के लोगों का उद्धार करने जा रहे हैं जो जीवन में आने वाली सबसे अच्छी और सबसे कीमती और सबसे ज्यादा पुण्य वो, ऐसा हम रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष, सचिव तथा प्रशासन से की ओर से सामाजिक न्याय के अधिकारी मोदी जी, माननीय SD सिंह साहब, सिंह साहब, डॉक्टर साहब, सबको बधाई देना चाहूँगा। और इस कार्यक्रम में उपस्थित महापौर जी, निगम के अध्यक्ष जी, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज सलोन समय दिया। हमने जो आज यहाँ पर पाया कि कई बुजुर्ग हैं, कई बच्चे हैं जो काम से नहीं सकते, उनको मशीनें उपलब्ध, कई व्यक्ति ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, उनको साइकिल, ट्राई साइकिल, बैटरी वाली साइकिल उपलब्ध कराए। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो चलते हैं लेकिन उसको दिशा नहीं मिलती, उनको छड़ी है। ऐसे तमाम प्रकार के यंत्रों के माध्यम से हम उन दिव्यांग व्यक्तियों को जो कुछ चीज़ों के लिए अपूर्ण है उनको पूर्ण कर रहे हैं, ये हमको लगता है पूर्ण का काम है। दिवस के उपलक्ष्य में हम सब यहाँ पर जिले में कार्यक्रम रखा है, हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सभी प्रशासन के साथ और सभी रेड क्रॉस के हमारे माननीय अध्यक्ष जी, सचिव जी, सभी कमेटी के सदस्य सभी हैं। आज बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम, सराहनीय कार्यक्रम है, ये पूर्ण का काम है। और आज जो दिव्यांगों को, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, जो को यंत्र दिया गया, आज उससे वो आगे बढ़ सकेंगे। और तमाम ऐसे आज कार्यक्रम उनके रखा गया, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। और हम सब साथ हैं और हम सब आगे दिव्यांगों के साथ हमेशा आगे रहेंगे, साथ में जहाँ भी उनको जरूरत पड़े। एक छोटा सा संदेश देना चाहूँगा, दिव्यांगता ये भगवान की देन है और इससे कभी दिव्यांग जनों में हीनता न आए, उसके लिए तत्परता से काम करते रहिए। अगर आप सक्षम हैं उनको जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र जो आपके जिले में वैडन में स्थित है वहाँ उनको किसी तरह पहुँचा दीजिए। वहाँ पर कृत्रिम अंग, सहायक उपकरण सब कुछ उपलब्ध कराया जाता है निःशुल्क। और हमारे सामाजिक न्याय जो हमें पैसा मुहैया कराता है, फंडिंग करता है वहाँ पर, उसमें हमारे सहयोगी जो हैं नर्दन कोल्डफील्ड लिमिटेड, NTPC, इनके सहयोग से हम लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम लोग नंबर वन आने के लिए कभी काम नहीं करते हैं, हम लोग दिव्यांगजनों के लिए काम करते हैं। और आप सभी महानुभावों से अनुरोध है कि आप थोड़ा सा सक्षम हैं तो ज़रूर दिव्यांगजनों के लिए कुछ करिए, अपने लिए आप करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।